हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैंने अपने ये पेंटास के प्लांट को बाहर निकाला हुआ है और आज मैं इस पर कुछ काम करने वाली हूँ। क्या काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये भी मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास दो पेंटास रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें जो भी बडिंग हो रही है वो जल जा रही है। और अभी तक मैंने इसे शेड में रखा था तो भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, और अब मैंने इसे पूरे सनलाइट में रखा हुआ है फिर भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोनों प्लांट को देख लेते हैं। तो एक यहाँ है जो कि बहुत ही स्वस्थ प्लांट है, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्ते सूख रहे हैं और इस तरह से इसकी जो कलियाँ बन रही हैं वो कलियाँ भी सूख जा रही हैं। तो इसके लिए से कुछ काम करना होगा, वही आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो अगर मैं नहीं करती तो मेरे प्लांट सेफ़ और सुरक्षित नहीं रहेंगे और फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए दूसरा प्लांट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये दूसरा प्लांट है, इसमें इस तरह से रानी कलर के फूल आते हैं और इसे मैंने सीमेंट के पॉट में लगाया हुआ है। ये प्लांट नीचे की तरफ झुक चुका है और इसे मैंने इस तरह से एक ईंट छोटी सी लगाई हुई थी क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, और उस दौरान अगर मैं ये इस ईंट को नहीं लगाती तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता, क्योंकि वैसे भी आप देखें तो ये एक तरफ झुका हुआ है। ईंट इसलिए लगाया कि इसकी जो जड़ें बाहर हैं ये दबी रहेंगी और प्लांट हमारा नुकसान नहीं होगा। तो आज मैं इसी पर वीडियो लेकर आई हूँ। अगर पेंटास की रूट्स इस तरह से दिख रही हों तो अभी भी समय है, उसे आप सेव कर लीजिए। तो आने वाले समय में इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और आज मैं वही कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जब इसकी रूट्स बाहर दिखाई देती हैं तो तेज़ धूप की वजह से, जड़ों में धूप लगती है उसकी वजह से प्लांट के पत्ते पीले पड़ते हैं और प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। कुछ जो टहनियाँ होती हैं वो सूखने भी लगती हैं। अगर प्लांट में इस तरह से बडिंग होती है तो वो बड भी सूख जाते हैं, क्योंकि जड़ें दिखती हैं, उसमें पूरा धूप लगता है और धूप की वजह से ये प्लांट हमारा वो ग्रोथ नहीं कर पाता जो करना चाहिए। तो मैंने इस प्लांट को आज निकाला है बाहर और इसके लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें तो इसे इसका एक ही सोल्यूशन है। इस प्लांट को, ये देखिए हिल रहा है, इस प्लांट को हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद फिर से हम इसे इसी मिट्टी में या फिर और भी अच्छी मिट्टी लेकर के, यानी कि खाद वगैरह मिला करके इसे लगाना होगा, तब तो ये प्लांट सेफ बचेगा, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। अगर ये यूं ही लगा भी रहा तो भी इसकी कोई ख़ास ग्रोथ नहीं होगी, पत्ते पीले पड़ ही चुके हैं। अभी जब तक ये चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे डेड भी हो सकता है, इसलिए से इसे मुझे बचाना है। तो चलिए इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए नीचे की जो रूट्स हैं वो सड़ चुकी हैं और प्लांट बिल्कुल एकदम ऊपर लगा हुआ था। अब हम इस मिट्टी को अच्छी तरह से निकालेंगे और निकालने के बाद फिर से प्लांट को लगाएंगे। तो अभी ये सेफ है फ़िलहाल, चलिए इसे लगाते हैं। पूरी तरह से बाहर निकल गया है, सारी मिट्टी को मैंने निकाल लिया है। इसमें जो ये होल है इसे हम पहले कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिट्टी को फिर से मिक्स करेंगे इसे फोड़ करके, क्योंकि जो ये प्लांट मैं लाई थी तो देखिए ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अब इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे। इतनी मिट्टी भरने के बाद में अब हम इस प्लांट को लगाएंगे। वैसे तो इसकी जो जड़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन प्लांट हमारा फिर भी अभी जी रहा है, यानी कि अभी ठीक है। चलिए इसे लगा लेते हैं। चारों तरफ से इसे लगाने के बाद में मैंने मिट्टी डाल दी है और प्लांट अभी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या ये चल पाता है या नहीं, क्योंकि इसकी पूरी रूट्स पहले से भी बाहर थी और अभी जब मैंने इसे पॉट से बाहर निकाला है तो वो अच्छी तरह से खुल चुकी थी और रूट्स तो इसमें थी ही नहीं, वो पूरी गल करके ख़त्म हो चुकी थी। तो फिलहाल मैंने इसे नए सिरे से इस तरह से लगा दिया है और इसका कलर बड़ा प्यारा है, इसलिए से मैंने इसे बचाने की सोची और जो मुझे समझ में आया वो मैंने इसके लिए किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
इसी तरह से मैंने इसे भी किया है, पूरा प्लांट बाहर निकाल करके और अच्छी तरह से इसे स्टैंड किया है। ये सब काम आप जब भी करें तो शाम के समय करें, क्योंकि गर्मी तेज़ पड़ रही है, धूप तेज़ हो रही है। और अभी मैं इसे रखूँगी शेड में, यहाँ पर नहीं रखूँगी बाहर। दो दिनों तक इसे शेड में रखने के बाद में जब ये प्लांट स्टैंड हो जाएगा अच्छी तरह से, तब मैं इसे धूप में निकालूंगी। तो चलिए इसे पानी दे देते हैं और पानी देने के बाद में इसे अच्छी तरह से छाया वाली जगह में रखते हैं। तो इस तरह से प्लांट को बचाया जा सकता है। जब भी आपका पेंटास का प्लांट इस तरह से हो और वो ग्रोथ ना कर रहा हो, उसमें जो कलियाँ आ रही हों, जल जा रही हों, पत्तियाँ सूख जा रही हों, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तेज़ धूप नुकसान कर सकती है, छाया भी नुकसान कर सकती है, और रूट्स बाहर हों तो भी नुकसान है, और ज़्यादा पानी दिया जाए तो भी नुकसान है, मिट्टी अगर ड्राई होती है तो भी इसके लिए नुकसानदायक ही है। तो सोच समझ करके अपने प्लांट को बचाइए और उनसे ढेरों फ्लावरिंग लीजिए। जो भी फूल खिलते हैं तो प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और गार्डन को एक नया लुक देते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पेंटास के प्लांट को बचाया है। तो चलिए इसे पानी देते हैं और रखते हैं शेड में। ये थी हमारी छोटी सी पेंटास पर वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।